नमस्कार साथियों, मैं हूं आरके गुप्ता। एमएजी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तीन आदमी ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताइए कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी व सी, क्वेश्चन कह रहा है ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी व सी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल यूनिट वर्क क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 10, 12 व 15 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा। तो हमारा टोटल यूनिट वर्क हुआ कितना, 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क हुआ 60। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता। ए बी व सी की कार्य क्षमता निकालना होगा। तो कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी क्या होता है, तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 वर्क पर डे। तो ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से बी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 × 5 = 60, 5 वर्क पर डे। सी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 वर्क पर डे, 15 × 4 = 60, 4 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। जब ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, इसका मतलब उस 2 दिन के दौरान काम कौन किया होगा, सी ने किया होगा। तो उस 2 दिन के दौरान सी ने काम किया होगा। तो सी एक दिन में कितना काम करता है मित्रों, तो सी एक दिन में 4 काम करता है। तो इसने अंतिम क्षण में कितना काम किया होगा, 4 × 2 = 8 काम किया होगा। तो सी ने कितना काम किया होगा, 8 काम किया होगा। तो बाकी के बचे काम कितने हो गए, 60 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 52 आ जाएगा। इसका मतलब 52 काम किसके द्वारा हुए होंगे, स्टार्टिंग में ए बी व सी द्वारा हुए होंगे। किसके द्वारा, ए बी व सी द्वारा। अब ए बी व सी द्वारा एक दिन में कितने काम होते हैं, 6, 5, 11, 4, 15 काम होते हैं। इनके द्वारा समय कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना है, 52। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी, 6, 5, 11, 4, 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 3 = 45 होता है। शेष कितना बचेगा, 7। तो 3 × 7 = 15 दिन का समय लगेगा। तो कुल समय पूछा गया, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 5 और 2 दिन सी द्वारा। तो इस तरह से कितना हुआ, 3 × 2 = 5 × 7 = 15 दिन। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, 10, 12 व 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 60। टोटल यूनिट वर्क हुआ 60 हो गया। अब ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 10 × 60, 6 वर्क पर डे। बी की कार्य क्षमता 12 × 5 = 60, 5 वर्क पर डे। सी की कार्य क्षमता 15 × 4 = 60, 4 वर्क पर डे। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, इसका मतलब उस 2 दिन के दौरान काम किसके द्वारा हुआ होगा, सी के द्वारा हुआ होगा। अब सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 2 दिन में कितना किया होगा, 4 × 2 = 8 काम। बाकी के बचे काम, बाकी बचे काम कितने होंगे, 60 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 52 काम। तो बचे हुए काम स्टार्टिंग में ए बी व सी द्वारा हुए होंगे। इनके द्वारा समय कितना लगेगा, तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, 52। ए बी व सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, 5, 11, 4, 15। 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 3 × 7 = 15 दिन। तो कुल समय पूछा गया है, कुल समय कितना होगा, 3 × 2 = 5 × 7 = 15 दिन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें कह रहा है तीन आदमी ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इस तरह से काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी व सी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं।
तो इनका टोटल यूनिट वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 छक्का 60, 6 वर्क पर डे। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 पंचे 60। सी की कितनी होगी, 15 चौका 60। कहने का मतलब ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है और सी 4 काम कर सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब उस दौरान काम कौन किया होगा, बी और सी द्वारा हुआ होगा। 2 दिन उस टाइम जो है, अगर ए ने काम छोड़ दिया 2 दिन तक, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब उस दौरान बी और सी द्वारा कार्य हुआ होगा 2 दिन में। अब बी और सी द्वारा एक दिन में कितने काम होते हैं, 5, 4, 9 काम होते हैं, तो 2 दिन में कितने हुए होंगे, 9 दुना 18, तो कितना काम हुआ होगा, 18 काम। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले अगर बी काम छोड़ दिया, इसका मतलब उस दौरान काम किसके द्वारा हुआ होगा, 3 दिन के दौरान ए और सी द्वारा हुआ होगा। और ए और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 6, 4, 10 काम होता है, 6, 4, 10 काम होता है, तो 3 दिन में कितना काम हुआ होगा, 10 तिहाई 30। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी तक कुल कार्य कितना फिनिश हुआ है, 30 और 18 मिलके कितना हो गया, 48। 60 में से 48 को घटाएंगे तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 12। अब ये 12 कार्य किसके द्वारा हुआ होगा, स्टार्टिंग में ए और ए बी और सी द्वारा हुआ होगा, स्टार्टिंग में ए बी और सी द्वारा हुआ होगा। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना बचा हुआ है, 12। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 5, 11, 4, 15। 6, 4, 11, 5, 6, 5, 11, 4, 15। तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 4/5 दिन कुल समय पूछा गया है। तो कुल समय कितना होगा, 3 दिन, 2 दिन कितना हुआ, 5 दिन, 5 सही 4/5 दिन। तो कुल समय कितना होगा, 5 सही 4/5 दिन। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, 12 व 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 60, तो टोटल वर्क हुआ 60। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 6 वर्क पर डे। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 पंचे 60, 5 वर्क पर डे। सी की कितनी होगी, 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। तो ए क्वेश्चन कह रहा है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब उस मोमेंट में काम कौन किया होगा, बी और सी द्वारा हुआ होगा। और बी और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 5, 4, 9, तो 2 दिन में कितना होगा, 9 दुना 18 काम। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, कहने का मतलब 3 दिन के दौरान काम किसके द्वारा हुआ होगा, ए और सी द्वारा। और ए और सी द्वारा एक दिन में काम कितना होता है, 6, 4, 10, तो 3 दिन में कितना होगा, 10 तिहाई 30 काम। अभी तक कार्य कितने हो चुके हैं, 30 और 18 मिलकर कितने हो गए, 18। और कुल कार्य कितना हमारा था, 60, तो 60 में से 30 और 18 कितना हो गया, 48। तो 60 में से 48 को माइनस करेंगे कितना होगा, 12 काम। अब ये 12 काम स्टार्टिंग में ए बी व सी द्वारा हुए होंगे, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे वर्क कितना है, 12। और एफिशिएंसी कितनी हो, ए बी व सी की, 6, 5, 11, 4, 15। ये देखिए 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4/5 दिन। तो कुल समय पूछा गया, तो कुल समय कितना होगा, 2 दिन बी और सी द्वारा, 3 दिन ए और सी द्वारा, और 4/5 दिन ए बी व सी द्वारा। तो कुल समय हो गया 2, 3, 5 सही 4/5 दिन। इसका जवाब क्या होगा, 5 सही 4/5 दिन इसका सही जवाब होगा। तो मित्रों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 व 11 आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम डेली क्वेश्चन लाते रहेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद मित्रों।